सो वंस अगेन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल त्रिपद एकेडमी। तो आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये है कि सर अभी तक भी जो है हमारा सेकेंड अटेम्प्ट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना कब से स्टार्ट होगा? आज हमारा 9th of May हो चुका है और अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुआ है। और साथ साथ जाकर बहुत बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि सर हमारा फर्स्ट टाइम जो है वो जून के मंथ में हो रहा होगा एग्जामिनेशन 20th of June से, तो फिर हमारा एडमिट कार्ड कब तक आएगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों से उन्हें सुनने में मिला है कि हमारा एडमिट कार्ड जो है वो 20-25 दिन पहले आ जाता है, यानी कि एक महीने पहले बच्चों को मिल जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है और आप लोगों को एडमिट कार्ड कब तक मिल पाएगा, सारी बातें इस छोटे से वीडियो में हम लोग करेंगे। सो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लेना ताकि आप सभी कुछ टाइप के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके, ठीक है। सो चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप लोग जो है वो जेईई मेंस के एनटीए के वेबसाइट पे अगर विजिट किए होंगे तो हमारा जेईई मेंस के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारा 4th of May को जो है वो लास्ट टाइम अपडेट हुआ है, ठीक है। बाकी जगह जो है आज हमारा 9th of May हो चुका है, तो आप लोग का सेकंड टर्म का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? तो आप लोग का बहुत जल्द स्टार्ट हो जाने वाला है, 15th of May के आसपास से आप लोग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो 15th of date आप लोग मान के चल सकते हो, उसके आसपास से 16-17 के आसपास से आप लोग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है रजिस्ट्रेशन को लेकर, ठीक है ना। बाकी जाकर के जो है वो ऑब्वियसली ऐसे स्टूडेंट जो कि फर्स्ट टर्म में ऑलरेडी रजिस्टर कर रखे हैं वो सेकंड टर्म में भी अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहोगे तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा, सिंपल लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद जाकर के आप लोग का सारा डिटेल जो है वो ऑलरेडी ले लिया जाएगा और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फी पे करना होगा, ठीक है। आप लोगों के पास 40-45 days ही बचे हैं। इन 45 days में आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग इन 45 days को यूटिलाइज करते हो या टाइम पास करके बिता सकते हो। टाइम अगर आपको यूटिलाइज करना है तो बेस्ट थिंग यू कैन डू कि आपको टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, और ये फ्री में टेस्ट यार बहुत ही मुश्किल से हमें मिलता है। वो टेस्ट मैं आप सभी के लिए लाया हूँ, डैट इज अन अकेडमी का सुपर 30 टेस्ट सीरीज, जो यार आप हर रोज दे सकते हो और साथ ही में जाकर के हर वीक 50 लकी विनर्स भी होते हैं। इसमें यार आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, स्ट्रैटेजीज मिलेंगी या कि यार कैसे आपका परफॉर्मेंस हुआ है, क्या हुआ है, और इंटेंसिव रिवीजन होगा जेईई 2022 का। ये चीजें किसी भी टेस्ट में हमें देखने को नहीं मिलती है। भाई देखो ये टेस्ट तो दे लोगे, 30 मिनट्स का टेस्ट होगा और 15 क्वेश्चंस होंगे, ये आप अटेम्प्ट करोगे यानी कि पर क्वेश्चन पे आपको 2 मिनट मिल रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहां तक तो बहुत अच्छी चीज लगी, साथ ही में जाकर के जो इसमें यार विनर्स बनते हैं ना उनके नाम में हर वीक अनाउंस करता हूँ कि कौन बच्चा जीता है, ठीक है। पिछले वीक भी यार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, वो कौन से जीते हैं उनके नाम में अनाउंस अभी करना चाहूंगा। डैट इज यार वंशिका बंसल है, कॉन्ग्रेचुलेशन वंशिका, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रतीक कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशन इंद्रजीत, कॉन्ग्रेचुलेशन वर्तिका सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशन साक्षी गुप्ता, बी आर नेक्स्ट विनर बरो यार डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर क्लिक करना है। वहां जैसे ही आप लोग यार उसमें इनरोल करना चाहो तो एक इनवाइट कोड पूछता है, वहां पे आप लोगों को बस ट्राइटन डाल देना है, TRI10, बस ये कोड डालो, फ्री में इनरोल हो जाओ, 1 रुपए भी आप लोगों का नहीं लगने वाला। और ऐसे स्टूडेंट जो कि सेकंड टर्म में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उनको जो है वो सारा अपना डिटेल फिलअप करना पड़ेगा और फी पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये भी बात हम लोगों ने कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग अपने एडमिट कार्ड के डाउट को लेकर कि हमारा एडमिट कार्ड क्या 20-25 दिन पहले आता है, अगर नहीं आता तो फिर कब तक हमें अपना एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो देखो अगर एडमिट कार्ड जो है वो 20-25 दिन पहले नहीं देखने को मिलेगा, लास्ट टाइम पे जाकर धानलेबाजी की बातें इसमें उठ करके आ रही थी, जेईई मेंस का एग्जाम जो है वो बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम होता है, उसमें चीटिंग को लेकर के जो है बातें उठती है तो बहुत ज्यादा ही दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। सो इसलिए जाकर के एडमिट कार्ड जो है आप लोगों का इतना लेट वैसे भी नहीं आता, 20-25 दिन पहले कभी भी नहीं आता है, आप लोगों का 10 दिन पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड देखने को मिलता है, ठीक है। और हो सकता है कि पिछले बार जो है वो धानलेबाजी को लेकर काफी बातें उठी है, तो इस बार जाकर एनटीए जो है वो 6-7 दिन पहले ही आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड आप लोगों को रिलीज करे, ठीक है। आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो 20th of June से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग मान के चल सकते हो कि आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है 10th of June के बाद ही देखने को मिलेगा और 15th June से पहले देखने को मिलेगा। एक डेट को अगर टारगेट करके चलना चाहते हो तो 13th of June को आप लोगों को जो है अपना एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर कोई डाउट है कमेंट से पूछ सकते हो, आप सभी के कमेंट रिस्पॉन्स कर देंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा हो सो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके प्रेस करो, क्योंकि आप सभी को जेईई के रिगार्डिंग यहाँ पे A to Z वीडियोस मिल रहा होगा, आगे काउंसलिंग भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में हो रही होगी, ठीक है। सो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके प्रेस कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को फ्रेंड में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उनके भी साइड आउट क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।